गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फंडलाइन बाय अनुज। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से आपके जितने भी एग्जाम थे, जितने भी पेपर थे आपके, वो पोस्टपोन हो गए हैं। ठीक है, वो सारों के डेट चेंज हो गई है, पोस्टपोन हो गए हैं, और जो होने वाले थे, जो शेड्यूल थे, वो रीशेड्यूल किए जाएंगे आपके, मतलब डिले होते जा रहे हैं। ठीक है, उन्हीं में एक पेपर जो आपका है, जो डिले हुआ है, मोस्ट अवेटेड है, वो आपका ग्रुप डी का। ग्रुप डी का भी पेपर आपका अटक गया है, वो भी पेपर आपका डिले हो गया है, बिकॉज क्योंकि जो आपका एनटीपीसी का सेवंथ फेज का एग्जाम होना था, उस पेपर की वजह से आपका ग्रुप डी अब डिले होता जा रहा है। देखिए, अभी तक आपका यूपी के अंदर अब लॉकडाउन 31 तारीख तक बढ़ा दिया है। ठीक है, जून के अंदर जो आपका लॉकडाउन है, और वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ओपन हो जाएगा, क्योंकि एक अगेन महामारी ब्लैक फंगस की भी फैल चुकी है आपकी। इसी के साथ ही अब आपका जुलाई भी मान लो, तो आप सारी चीज अगर मान के चलते हैं, तो आप मान चल सकते हो कि आपका सेप्टेम्बर एंड तक आपका एग्जाम होने की संभावना है, अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो। ठीक है, अब ऐसे में आपके पास टाइम है जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, 3 महीने आपके पास है। इन 3 महीने में क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप इन 3 महीने में कैसे आप ग्रुप डी के लिए सब कुछ को निचोड़ सकते हो, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 महीने आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगे कि आप इन 3 महीने के बाद, मेहनत करने के बाद, क्या आप अगले 60 साल तक एक आराम पसंद जॉब करना चाहते हैं, या इन 3 महीनों में आप आराम कर अगले 60 साल तक आप धक्के खाने वाली जॉब करना चाहते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करेगी आपके ऊपर। ठीक है, कि आप इन 3 महीनों को कैसे निचोड़ते हैं। अगर आप इन 3 महीनों को निचोड़ लोगे ना बिल्कुल, तो आप अगले 60 साल के लिए फ्री हो जाओगे। और अगर आपने इन 3 महीनों में आराम कर लिया, तो अगले 60 साल तक आप कहीं प्राइवेट कंपनी में, कहीं पर कहीं, कहीं बेरोजगारी के उसमें, कहीं बसों में पेपर देने जाते हुए धक्के ही खाते रहोगे। और ये रियलिटी है लाइफ की, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अब आपको करना क्या है, देखिए 3 महीने के अंदर आपको अपना शेड्यूल बनाना है। अगर अब आपका शेड्यूल की बात करें, तो सबसे पहले आपके जो टॉपिक रह गए हैं, 1 महीना आपको उनको तैयार करना है। दूसरे महीने में आपको क्या करना है, आपका जो सारा आपने टॉपिक कर लिया है, उसका रिवीजन करना है। ठीक है, तीसरे महीने में आपको प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट, बस ये 3 चीज करनी है। इसमें आपको स्टडी करनी है, इसमें आपको रिवीजन करना है, और इसमें मॉक टेस्ट करना है। बस ये 3 चीज अगर आपने कर ली, तो आपके 3 महीने की मेहनत आपको अगले आने वाले 60 सालों तक आपको आराम देगी, आपके फैमिली को आराम देगी, और इन 3 महीनों का आराम आपको आने वाले 60 साल तक बिल्कुल धक्का मारी वाली जॉब आपको मिलने वाली है। सो आप अपना डिसाइड करके चलिए, पहले 1 महीने में, जून में, ठीक है, जून के अंदर आपको पढ़ना है, नया पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो वो पढ़ना है। अगला आपको जुलाई में आपको रिवीजन करना है, जो पढ़ चुके उसका रिवीजन करते रहना है। अगस्त के अंदर आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, आपकी तैयारी को पॉलिश करनी है। बस इतना काम आपने अगर 3 महीने में कर लिया, तो ग्रुप डी की जॉब आपके हाथ में होगी। अच्छी जॉब है, बढ़िया जॉब है, बस करने वाला होना चाहिए, बस उस जॉब के लिए कोई मरने वाला होना चाहिए, उसके लिए मेहनत करने वाला होना चाहिए, उसके लिए उसकी तड़फ, आग दिल के अंदर होनी चाहिए कि मुझे ये जॉब चाहिए। ठीक है, जब आपके पास ये ग्रुप डी की आरआरसी, ग्रुप डी की पोस्ट होगी, तो आप उसके बाद आप एक सेफ जोन में आ जाओगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, बट अगर आपका ग्रुप डी की, आपने कुछ बच्चों ने 2-2 साल से उसको एम बना रखा है, तो इस एम के अब फाइनल टाइम है 3 महीने है, क्योंकि ये लास्ट के 3 महीने ही है जो आपको सिलेक्शन के पास लेके जाएंगे। तो अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज कीजिए, ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ एक पेपर क्लियर करना है। ये सोच के चलिए कि अगले 60 साल के लिए आप FD करवा रहे हो, फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रहे हो, और उस चीज के लिए जब आप बैंक में 1 रुपए को डिपॉजिट करवाने जाते हो, तो 6 सवाल करते हो, पैसे तो नहीं कटेंगे, कब जमा करेंगे, निकाल कब सकता हूं, मेरी लाइफ में आगे मुझे क्या मिलेगा, ब्याज क्या मिलेगा। तो ये तो आप 60 साल के लिए अपनी बुकिंग कर रहे हो। एक बार 3 महीने के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है अपने टाइम को, और वो 3 महीने का टाइम आने वाले 60 साल तक आपको फायदा देने वाला है, आपको पे करेगा।
सो अपने इन 3 महीने को जो मैं आपको बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग एक बार आप मैनेज करके देखिए, आने वाले 60 साल आपके बहुत ही गोल्डन रहने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी में जितने भी प्राइवेट बंदे थे जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, जिनका खुद का बिजनेस था, पिछला 20 वाला कोरोना महामारी सबको मार गया, किसी सारे घर में बैठे थे, इनकम एक पैसे की नहीं हुई, जितने प्राइवेट बंदे थे सबको जॉब से निकाल दिया, इनकम एक नए पैसे की नहीं हुई, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की चलो 30% सैलरी काट भी ली तो 70% तो ले रहे हैं भाई। भाई 100 पे 70 रुपए तो मिल रहे हैं, 1000 पे 700 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 पे उनको 7,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, मिल तो रहे हैं उनको, तो आप ये मान के चलो उनको अगर 30% काट भी ली तो 70% तो आ रहे हैं, मतलब फैमिली चल रही है, बच्चों का खर्चा चल रहा है, घर का खर्चा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। सो गवर्नमेंट जॉब की जो बात है वो किसी भी और जॉब में नहीं है, तो अपने 60 साल का फिक्स डिपॉजिट आपको करके चलना है, मेहनत कीजिए, 3 महीने हैं आपके पास, ये 3 महीने ही आपके अगले आने वाले 60 सालों का आधार बनेंगे, बेस बनेंगे। ठीक है, सो अपनी मेहनत अच्छे से करो, 3 महीने में पहले महीने में सब कुछ पढ़ डालो, दूसरे में रिवाइज कर डालो, तीसरे में मॉक टेस्ट लगा डालो, कोई सीरीज खरीदनी भी पड़े तो मॉक टेस्ट की सीरीज आप खरीद लो, कितने की आती है, 125 रुपए की आपको टेस्ट दे देंगे, 50 150 के दे देंगे, ठीक है 200 के दे देंगे, इतने के तो आप बाहर जाते हो तो चाट पकोड़े खा लेते हो, इतने के तो भाई कहीं समोसा खा लिया, पिज्जा खा लिया, ठीक है कहीं कुछ और खाने चले गए, चाउमीन डोसा खाने चले गए, इतना तो आपका महीने का खर्चा हो जाता होगा। ठीक है, महीना नहीं तो एक दिन का हो जाता है, कुछ लोग जो नहीं करते उनके लिए मैं महीना मान लेता हूँ, चलो कोई छोटा मोटा 10-5 रुपए का करते रहे तो भी महीने में इतना तो हो ही जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं वो एक दिन में उड़ा जाते हैं, 200-500 दोस्तों के साथ 4 दोस्त बैठ गए, 2 कोक की बोतल खुल गई तो वही आपके 90-90-180 रुपए की, 2-2 लीटर की बोतलें खुली तो आपके 200 रुपए का हो जाता है। सो आप मान के चलो ये इन्वेस्ट आप यहां करो, और यहां पे करने के बाद ये 200 रुपए आपको उम्र 60 साल तक आपको पे करेंगे। ठीक है, सो अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, मेहनत करनी है, और ग्रुप डी के लिए आपको एक अपना सिक्वेंस 3 महीने का लास्ट का बना के चलना है, ये वाला फॉलो करोगे तो बिल्कुल 100% आपका काम बनेगा और आपकी सिलेक्शन भी मिल जाएगा, और आने वाले आपकी जो अपकमिंग ईयर्स हैं वो भी गोल्डन ईयर्स में आपके गिने जाएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।